मेरा नाम फरीद है और मैं हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की जानिब से अल जुबैल कॉलोनी फलकनुमा के करीब जहां पर पानी की तरफ से तबाही जो हुई, यहां पर बिल्कुल बाजू एक नाला है, पानी वहां पर पूरा ओवरफ्लो होके नाले का जितना भी कचरा था, गंदगी थी, हर किसी के घर में आ गया। और यहां पर काफ़ी सारे घर है, मकाना है, जो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो अभी इस वक्त यहाँ पर रह नहीं सकते क्योंकि उनके घरों में कोने कोने तक कीचड़ भरा हुआ है। तो हम लोग जब यहाँ पर आके देखे, देखने के बाद ये डिसाइड करे कि यहाँ से करीब में जो लेबर अड्डा है वहाँ से लेबर लेके आके यहाँ के लोगों के जितने भी घर हो सकते हैं हमारे से साफ़ करना, वो पूरा हम लोग साफ़ करेंगे और यहाँ पर जो भी लोग आके रह सकते वो लोगों के लिए रहने लायक बना देंगे घर इंशाल्लाह। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के पास करीब 11-11 फीट तक पूरा पानी आ गया और जो है नाले का और मोरियों का जो कचरा है, गंदगी है, पूरा उनके घर में आ गई। तो यहाँ पर जो है हमारे पास करीब 20-25 लेबर के साथ आज काम शुरू करे और अभी तक हम लोग करीब एक 10-11 घर कंप्लीट कर चुके। लेकिन जो कचरा गली में भरा हुआ है, जो गलियों में जो है वो हम लोग साफ़ नहीं कर सकते, वो तो साफ़ करना MCS का काम है। लेकिन फिर ये हो रहा कि फिर वही कचरा वापस अंदर आ रहा क्योंकि लोग अंदर बाहर हो रहे हैं, तो उससे फिर गंदगी फिर फैल रही। लेकिन जो अंदर की जो गंदगी है वो तो पूरी साफ़ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी सारे लोग भी यहाँ पर हमारे काम से मुतमईन हैं और वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग एक 3-4 दिन तक आके यहाँ पर दूसरे भी घरों में पूरा साफ़ सफाई का काम करना। जी शुक्रिया।